सत श्री अकाल। चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखण वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हाँ। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लें सुर्खियों के वल। श्री दरबार साहब च एंट्री नूं लैके विवाद। श्री हरिमंदर साहब च लड़की नूं दाखिल होण तों रोकण का मामला। SGPC ने मंगी मुआफी। नवजोत सिद्धू की कोठी च दाखिल होया शक्की व्यक्ति। सिद्धू के नौकर के बयान के आधार पर मामला किया गया दर्ज। बठिंडा मिलिट्री स्टेशन च होए चार फौजी जवानों के कतल की गुत्थी। पुलिस ने सुलझाई फौज का जवान ही निकलिया कातिल। आपसी रंजिश कारण किया सी कतल। अते हुण खबरां विस्थार दे नाल। दुनिया भर विच अध्यापक नूं रब तों भी उच्चा दर्जा दिता जांदा है, पर अमरीका तों इक हैरान करन वाली खबर सामने आ रही है। अमरीका च पिछले दो दिनां च घट्टो घट्ट 6 महिला अध्यापकां नूं गिरफ्तार किया गया। उन्हां ते विद्यार्थियों नाल जबरदस्ती शरीरिक संबंध बनाउण दी कोशिश करन दे दोष लगे ने। मिली जानकारी के अनुसार डैन विले की एलन शेल नां दी 38 साल अध्यापका ते थर्ड डिग्री बलात्कार का दोष लगे है। मामले में दर्ज एक अपराधिक शिकायत के अनुसार शैल ते दो 16 साल के मुंडिया नाल 3 बार जिनसी संबंध बनाने का दोष है। शैल नूं गेराड काउंटी जिला अदालत में पेश किया गया। श्री दरबार साहिब विच एक लड़की दे दाखिल होण ते लगाई गई पाबंदी तो बाद SGPC दे जनरल सकत्तर गुरचरण सिंह गरेवाल ने माफ़ी मंगी है। उन्होंने कहा कि श्री दरबार साहिब विच आने वाले सारे धर्मां दे लोकां नूं जी आया। उन्होंने कहा कि जो शरारती अंसर श्री हरिमंदर साहब आने ते स्टिकर लगा के अंदर परिक्रमा विच वीडियो बनाउंदे ने ते श्री हरिमंदर साहब की मर्यादा नूं भंग करदे ने, जिस कारण लड़की नूं रोकिया गया ते लड़की वालों सेवादार नूं गलत बोलन ते सेवादार वालों भी बोलिया गया, तो उस उत्ते उह खुद माफ़ी मंगदे ने। पर ट्विटर उत्ते श्री हरिमंदर साहब बारे खालिस्तान संबंधी टिप्पणी करना बहुत गलत है। दूजे पासे बीते दिनी पंजाब दे गवर्नर दी आमद ते पुलिस मुलाजम वालों परिक्रमा च तैनात सेवादार नाल कीती गई बदतमीजी दी भी उन्हां सख्त शब्दां विच निंदा की। अफसोस है इस गल दा कि एक जिहड़ा ट्वीट आया। सब तो पहला तो मैं यही गल कह दिया कि जिहड़े दरबार साहब दे प्रबंध दे विच असीं सारे शामिल हाँ, हर सिख ही उस विच शामिल है, पर क्योंकि साड़ी सेवादार के तौर पर ड्यूटी लगी आ, इस गल लई असीं पहलां भी इस गल्ल नूं स्पष्ट कर देना चाहुंदे आं ते कर रहे हैं कि कोई भी दुनिया के किसी कोने विच किसी भी धर्म का किसी भी दिशा किसी भी जात दा नाल संबंधित कोई भी श्रद्धालु के तौर पर गुरु रामदास पातशाह के दरबार च आउंदा साडे लई सत्कारयोग आ, नतमस्तक आ, उहदे चरणां विच नमस्कार आ। उह इत्थे आ के की करदा, उह बादियां गल्लां ने। पिछले दिनों के कुछ शरारती लोगों ने इस तरह के इत्थे आयोजन किए। तुसीं जानते हो कि 84 दे विच सिखां दा कतलेआम होया। जगदीश टाइटर नां दा बंदा उस विच पूर्ण तौर पर दोषी है। उस समय दीआं सरकारां ने उन्हूं बचाया। उस दे बारे दे विच एक व्यक्ति आउंदा अपने बंदिआं नूं बाहर रखदा ते उह सरोवर च इशनान करदा ते उत्थे एक टी शर्ट पाउंदा। उह टी शर्ट दे उत्ते जगदीश टाइटर जिहड़ा सिखां दा कातल है उहदी तस्वीर हुंदी है। उह उत्थे इशनान करके फोटो करके जिहदे विच दरबार साहिब दी फोटो हुंदी आ तां उत्तों दी अपनी टी शर्ट पा लैंदा ते बाहर चला जांदा। तुसीं ये देखो कि वह एक सिख सीगा, उसकी मन की मंशा किस तरह की सी, उस गल बारे कदे शायद किसी ने नहीं सोचा। दूसरी गल कि इत्थे कई तरह दियां जिहड़ियां फोटोग्राफी करके, क्योंकि जिहड़ा धार्मिक स्थान है कोई भी किसी धर्म का उन्हां दी एक मर्यादा हुंदी है। सो इस मर्यादा दे विच आउंदा है कि असीं इत्थों दा इत्थे पहरावा ठीक रखिए, इत्थे कोई नशा करके ना आवे, नशा लैके ना आवे। इस करके जिहड़े साडे अधिकारी साहिबान हैं जिहड़े साडे पहरेदार ने उह इस गल लई सचेत करदे आ। सो पिछले दिनों वापरियां घटनावां दे तौर ते इत्थे एक जिम्मेवार जिहड़ा किना प्रबंधक नौजवान सी उसने इस गल बारे जरूर उन्हां दे नाल इस गल आर्गू कीता, पर उस उन्हां वल्लों प्रवोक करन तो बाद उस अधिकारी वल्लों कुछ गल्लां बोलियां गईयां। मैं खुले दिल नाल एक जिम्मेवार होने के नाते जे किसी भी यात्रु के मन के उस दुर्व्यवहार की गल आई है तो उस गल ही मैं जनरल सैकटरी होने के नाते माफ़ी मंगदा। एक गल, दूसरी गल, ये ट्वीट करने वाले लोगों की मंशा की है तो वह ट्वीट तो बाद वो जवाब किस तरह दिते जा रहे हैं। मैनू लगता कि मेरा जिहड़ा सिर है वह शर्म नाल झुकदा।
क्योंकि इस देश सानू यह दस्या जा रहा कि पंजाब देश का हिस्सा नहीं कि उन्होंने इस गल का पता नहीं कि इस हिंदुस्तान आजाद कराने इसे उस गुरुधाम जी ने खालिस्तान की काबज होने की गल करते हैं उन्होंने इस देश को आजाद करवाया कि वह जानते हैं लोग कि इस तिरंगे अज ये दुनिया के सम्मान मिलता वह कारण कौन है 100 के 90 सिर किने दिते इस गल का ट्वीट को करेगा हिम्मत है। बठिंडा मिलिट्री स्टेशन फायरिंग केस विच वड्डा खुलासा होया जिस संबंधी जानकारी देने लई बठिंडा पुलिस वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। पुलिस ने दसिया कि मुलजम वार वार बयान बदल रहा सी जिस ते उन्हां नूं शक होया जिसकी जांच करन ते पता लग्या कि इस घटना का मुख गवाह मोहन देसाई ही असल विच गुनाहगार है जिस वालों सीवरेज के खूह विच राइफल ते कारतूस लुको दिते गए सन। मुलजम की निशानदेही तो 7 कारतूस बरामद होए ने। मुलजम की जवानों के नाल आपसी रंजिश सी जिस वालों चोरी की गई इंसस राइफल का इस्तेमाल जवानों नूं मारन लई कीता गया। मुलजम कोलों पहला मिसफायर होया सी। मुलजम ने कुर्ते पजामे वाली भी झूठी कहानी कड़ी सी। मुलजम फौजी मोहन देसाई ने 4 जवानों का कतल किया सी। तड़के सवेरे 4:30 बजे करीब 4 जवान जिहड़े हैगे आर्मी दे ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਸੀਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 4 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਪਨ ਇੰਟਰਨਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨਲ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। आर्मी ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਔਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 4:30 ਵਜੇ ਉਹਨੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕਰਕੇ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਦੋਂ ਫਰਕ ਆਇਆ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਖਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੈਪਨ ਇਨਸਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 20 ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸਮੇਤ ਤੇ 8 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਐਲਐਮਜੀ ਦੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਇਸੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਪਰਸਨਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 7 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਸਲੇਟੀ ਕੰਬਲ ਲਪੇਟੀ ਕਨ ਪਛਾਤਾ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨੌਕਰ ਨੇ ਮਦਦ ਲਈ ਅਲਾਰਮ ਵਜਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਛਾਨਬੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਸ਼ਖਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਂਗਲੋਈ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਾਂਗਲੋਈ ਰੋਡ ਦੇ ਕੁੰਵਰ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 10 ਦੇ ਡੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ 'ਚ ਧਮਾਕੇ ਮਗਰੋਂ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 8 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੁਖਦਾਈ ਦੱਸਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ।
पीआरटीसी ठेका वर्कर यूनियन वालों स्थानक बस अड्डे च यूनियन के सरप्रस्त कमल कुमार की प्रधानगी विच सूबा पद्धरी मीटिंग का आयोजन किया गया, जिस च पेंडिंग मंगा का मुद्दा प्रमुखता नाल चुकया गया। शमशेर सिंह ने दसिया कि विभाग च नवे ठेकेदार नूं भर्ती कराउण लई 6 डिपुआं दे मुलाजमां दीआं तनखाहां रोक दित्तीआं गईआं ने। इस दे नाल ही 28 नवे ड्राइवरां दीआं तनखाहां भी जारी नहीं कीतीआं जा रहीआं। उन्हां दसिआ कि 18 अप्रैल तक सारे वर्करां दी तनखाह जारी नहीं की गई, तो 19 अप्रैल नूं पंजाब दे सारे 27 डिपुआं नूं बंद करके सख्त संघर्ष किया जाएगा। इस दौरान किसी भी सरकारी बस को डिपुआ तो बाहर नहीं जान दिया जाएगा, इस कारण सरकारी बसों का चक्का जाम रहेगा। उन्होंने दसिया कि यूनियन वालों फिलहाल एक दिन लिए डिपो बंद करने का फैसला लिया गया है, तो जेकर नेतावान ने कहा तो इस रोस प्रदर्शन अगे बढ़ाया जाएगा। उधर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस के एक पार्क में सवेरे सैर लिए निकले एक बुजुर्ग व्यक्ति को आवारा कुत्तियां ने हमला करके मार दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच के इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाली, जिस विच देखा जा सकता है कि कुत्तियां का झुंड व्यक्ति को खिंच के पार्क में ले गया, जिस तो बाद उसकी मौत हो गई। एसपी सिटी कुलदीप सिंह गुनावत ने दसा है कि लाश को पोस्टमार्टम लिए भेज दिया गया है, अगलेरी जांच की जा रही है। सरकारी हस्पतालों में बच्चा चोरी होने की घटनाओं में लगातार वाधा हो रहा है, जिस प्रति सेहत विभाग चौकस दिखाई नहीं दे रहा। ताज़ा मामला सामने आया लुधियाना के सिविल हस्पताल विखे, जिथे हस्पताल में 4 दिन पहला पैदा होया बच्चा चोरी हो गया। बच्चे के परिवारक मैंबर ने हस्पताल प्रशासन से लापरवाही के दोष लगाए ने। इस सारी घटना की सीसीटीवी वीडियो भी सामने आई, जिथे एक शख्स एक बच्चे ले जाता देखा जा रहा है। बच्चे के परिवार का कहना है कि उन्होंने 2 लड़कियों तो बाद लड़का होया। इस संबंधी हस्पताल प्रशासन का कहना है कि उन्होंने वालों इस संबंधी पुलिस को सूचित कर दिया गया है, तो मौके पर पहुंची पुलिस वालों सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का यह भी कहना है कि एक व्यक्ति एक महिला वालों इस वारदात को अंजाम दिया गया, जिन्हों की भाल जारी है। श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा है कि पंजाब के मौजूदा समय दौरान सरकार वालों पंजाब विच सिख कौम के नौजवानों को निशाना बना के नजायज झूठे परचे दर्ज करके जेलों अंदर सुटना बहुत ही मंदभाग है। इस तहत सिंह साहब ने पीड़ित परिवारों को मिलकर उन्होंने पेश आ रही मुश्किलों का हल कराने लिए सिंह साहब ज्ञानी जसबीर सिंह जी रोडे साबका जथेदार श्री अकाल तख्त साहब की अगुवाई में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर के मैंबर साहबान की सब कमेटी नियत करके उन्होंने सेवा सौंपी है। खालसा साजना दिवस विसाखी के जोड़ मेले मौके गुरुद्वारा जंडसर साहब रोड से उस समय सनसनी फैल गई जदों एक टेंट विच निहंग सिंह की लाश देखी गई। जानकारी अनुसार विसाखी मेले दौरान एक निहंग सिंह वालों गुरुद्वारा जंडसर साहब रोड से अपनी सरदई रगड़े की दुकान लगाई हुई सी, जदों सवेरे 7 बजे तक उसने दुकान ना सजाई तो नेड़े तेड़े के दुकानदार ने उसके टेंट में देखा तो उसकी मौत हो चुकी सी, जिसकी इतलाह तलवंडी साबो पुलिस को दी गई। तो मौके पर डीएसपी बूटा सिंह ते तलवंडी साबो थाना मुखी गुरदीप सिंह पहुंचे, जिन्होंने जांच शुरू की है। डीएसपी बूटा सिंह ने दसिया कि मृतक की शनाख्त हो चुकी है, जो कि गोबिंदगढ़ का रहने वाला है, सुरिंदर है। पुलिस ने 174 की कार्रवाई करके लाश का पोस्टमार्टम करवा के लाश वारसा हवाले कर दी है। पंजाब च गर्मी ने लोगों का बुरा हाल कर दिता है, हर कोई गर्मी कारण परेशान दिख रहा है। बीते दिन तापमान च भावें मामूली गिरावट दर्ज की गई सी, पर गर्मी ने अपना जोर दिखाया। पंजाब के कुछ इलाकों च मध्यम हवावां चलियां, पर बावजूद इसके तापमान आम नालों 4.4 डिग्री सैलसीयस वध दर्ज किया गया। बठिंडा बरनाला फतेहगढ़ साहब का तापमान सब तो वध 41.4 डिग्री सैलसीयस दर्ज किया गया, घट तो घट तापमान 17.6 डिग्री सैलसीयस फतेहगढ़ साहब का दर्ज होया। इस घट्टो घट तापमान च बीते दिन के मुकाबले 0.8 डिग्री सैलसीयस का वाधा रहा, जो आम नालों 2 सैलसीयस 3 डिग्री वध रहा।
सनातन धर्म के चार प्रमुख धामां की यात्रा शुरू हो जा रही है। चार धामां विचों देववादी दे भगवान भोलेनाथ जी के पवित्र स्थान श्री केदारनाथ धाम की यात्रा 25 अप्रैल तो शुरू हो रही है। केदारनाथ यात्रा के पहले पड़ा सोनप्रयाग विखे श्री बर्फानी हर हर महादेव सेवा दल बुढ़लाडा वालों पिछले 9 सालों तो लगातार विशाल भंडारा लगाया जा रहा है। तो इस साल लगन वाले भंडारे लिए बुढ़लाडा तो सारी समगरी के ट्रक रवाना किए गए, जिसनों मानसा तो विधायक साबका सेहत मंत्री पंजाब विजय सिंगला जी तो उज्जैन महाकाल ज्योतिलिंग तो आए महंत श्री कृष्ण गिरी जी महाराज वालों झंडी दी गई। श्री हर हर महादेव दल रजिस्टर्ड बुढ़लाडा वालों जो 9वां यह विशाल भंडारा श्री केदारनाथ धाम से लग रहा है, मैं समझदा एक बड़े सुभाग्य की बड़ी खुशी की गल है, क्योंकि अजिहे पवित्र स्थान पर एक लोगों के जिहड़े श्रद्धालु जाते हैं बड़ा डिफिकल्ट रस्ता है, और उत्थे रहन सहन का खाण पीन का इंतजाम करना इस तो बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। ये बिरलिया के हिस्से ही आता, और मैनू ये लगता कि बुढ़लाडा मंडी पहला भावें श्री अमरनाथ विखे होवे या होर किसी भी धार्मिक स्थान पर होवे, खास करके श्री केदारनाथ से जिथे जिन्हें डेडिकेटड सारे श्रद्धालु ने वर्कर ने, क्योंकि जिथे धर्म का वास हों उत्थे हमेशा उन्नति होंगी है, और ये साडे लई बड़ी एक खुशी की गल है, और मैनू लगता मेरे लिए होर भी खुशी की गल है कि अज इस भंडारे नू जो हैगे इत्थे रवानगी दित्ती है, और मैनू लगता जदों तक भी शिव भोला जी ने चाहिया तां इह भंडारा उत्थे निरंतर चलूगा, और पूर्ण तौर पर जिहड़ी है श्रद्धालुओं की उत्थे देखभाल ते सेवा की जाऊगी। विसाखी के पवित्र दिहाड़े ते मोगा जिले के पिंड गगड़ा भागसर विखे जिले दियां धार्मिक समाज सेवी संतां महापुरशां दी विशाल एकत्रता की गई। इस एकत्रता विच विदेशी लाड़े लाड़ियां दी ठगी दा शिकार ते सहुरे परिवार तो तंग पुत्र ते धियां नूं इंसाफ दिवाउण लई पंजाब पद्धरी जथेबंदी धियां दे राखे जथेबंदी दा आगाज़ किया गया। इस मौके ते वड्डी गिणती विच एकत्र लोकां नूं संबोधन करदिआं जथेबंदी दे प्रधान सरपंच गुरमीत सिंह गगड़ा ते चेयरमैन सुखविंदर सिंह दातेवाल ने दस्सिया कि जथेबंदी परिवारक रिश्तियां विच त्रेड़ा पैण कारण दुखी धियां ते पुत्तां नूं इंसाफ दिवाउण लई यतन करेगी। उन्होंने दस्सिया कि जथेबंदी पंजाब दे हरेक जिले विच कमेटी स्थापित करके कानूनी लड़ाई लड़न लई मुफ्त विच लीगल सेवावां भी प्रदान करेगी। मोगा के सरकारी हस्पताल विच ऑर्थो वार्ड तो मरीज के नाल आए अटेंडेंट ने ड्यूटी स्टाफ का फोन चोरी कर लिया। मोबाइल चोरी की यह घटना मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सरकारी हस्पताल के SMO सुखप्रीत बराड़ के दसन मुताबिक मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है, तो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। हुण नजर मारते हैं अज के मौसम के हाल के वल। इस दे नाल ही खबरों का सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीं ते ताज़ा खबरों के नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाजत, धन्नवाद।